इस वीडियो में हम आइसक्रीम बनाएंगे। आज हम इसमें चोकोबार आइसक्रीम बनाना सीखेंगे। ये बहुत ही आसानी से कम इंग्रेडिएंट और बिना मोल्ड के घर में बन जाती है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या चाहिए इसके लिए। हाँ, मैंने दो ओरियो के बिस्किट लिए हैं। ये 10-10 रुपए वाले पैकेट हैं। अब हम इसके रैपर को इस तरीके से खोलेंगे कि फटे नहीं, क्योंकि हमें आइसक्रीम इन्हीं रैपर्स में फ्रीज करनी है। इन सारे बिस्किट्स को मैं अपने जार में डाल दूंगी। इस तरीके से मैंने इसमें सारे बिस्किट डाल दिए हैं इसके, और रैपर को हम अलग रख देंगे। इसके बाद दूसरे बिस्किट में भी मैं ऐसा ही करूंगी कि इसके सारे बिस्किट मैं जार में निकाल दूंगी। अब हम इसमें, इसका एक मेजरमेंट होता है, तो हम उसमें जितना एक पैकेट है उतना हम इसमें दूध डाल देंगे। यहाँ मैंने दो पैकेट में एक पैकेट दूध डाल दिया है, और अब हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। यानी इसको मैं बंद करके मिक्सी में पीस लूंगी और बहुत फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लूंगी। देखिए, हमारा जो बिस्किट था वो बिल्कुल पेस्ट बन गया है। अब मैं इसी रैपर में इसको फ्रिज करूंगी। तो मैं इसमें इसको इस तरीके से भर लूंगी। देखिए, इस तरीके से मैंने इसको फिल कर लिया है पूरा। और इसी तरह मैं दूसरे रैपर को भी इस चॉकलेट के साथ, मिक्सचर के साथ मैं इसको फिल कर रही हूँ। इस तरीके से हमारे ये आइसक्रीम बनकर रेडी है। अब हम इसको फ्रीज कर लेंगे। लगभग 20 घंटे के लिए मैंने इसको आराम से फ्रिज में फ्रीज करने रख दिया था। और 2 घंटे बाद मैंने इसमें आइसक्रीम स्टिक लगा दी थी, क्योंकि हम 2 घंटे बाद ही लगाएंगे, आसानी से हमारी स्टिक फिक्स हो जाती है। इसके बाद मैंने यहाँ चॉप चॉकलेट ली है, और अब मैं इसमें 3 से 4 स्पून गोले का तेल डाल रही हूँ, क्योंकि गोले का तेल डालने से जो हमारी चॉकलेट है उसमें बहुत अच्छी शाइन आती है। अब मैं इसको यहाँ पर डबल बॉयलर में इसको मेल्ट कर लूंगी। ये देखिए, ये डबल बॉयलर में पानी गर्म हो चुका है। अब मैं इसको इस तरीके से इसके ऊपर रखकर लगातार चॉकलेट को चलाती रहूंगी। अगर हम इसको चलाते नहीं हैं तो चॉकलेट जो है गर्म होकर फिक्स हो जाती है, यानी मेल्ट नहीं होती है। हम इसको लगातार चलाते रहेंगे तो हमारी जो चॉकलेट है वो अपने आप मेल्ट होने लगेगी। लगभग 3 से 4 मिनट में हमारी जो चॉकलेट है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाती है। देखिए, हमारी चॉकलेट जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है। और अब मैं इस चॉकलेट को अपने गिलास में फिल कर लूंगी। इस तरीके से मैंने यहाँ गिलास लिया है, और अपनी चॉकलेट को, यानी जो मेल्टेड चॉकलेट है उसको सारी को मैं गिलास में डाल दूंगी। इस तरीके से, और अब हम अपने जो हमने आइसक्रीम फ्रीज करी थी उसके रैपर को हम आराम से खोल लेंगे। देखिए कितनी अच्छी आइसक्रीम बनकर रेडी हुई है, बहुत अच्छे से फ्रीज हो गई है। अब मैं इस ग्लास में, चॉकलेट में इसको अच्छे से डिप करूंगी, ताकि जो चॉकलेट की कोटिंग है वो हमारी आइसक्रीम पर अच्छे से कोट हो जाए। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से करना है। आइसक्रीम को चारों ओर से घुमाते हुए हम अपने चॉकलेट इस पर कोट कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी चोकोबार बनकर रेडी हो गई है। अब इसी तरीके से मैं अपनी दूसरी आइसक्रीम को भी इसमें चॉकलेट में डिप कर कर कोट कर लूंगी। और इसके बाद मैं इसमें यहाँ ऊपर से नारियल का बुरादा छिड़क रही हूँ, ताकि जो बुरादा है नारियल का वो आसानी से हमारी आइसक्रीम पर चिपक जाए। आप यहाँ पर पीनट भी डाल सकते हैं इसमें। और देखिए, हमारी चोकोबार आइसक्रीम बनकर बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर